उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्थित घाघरा नदी अनेक वर्षों से बाढ़ का कहर बरपाती आ रही है। इस बाढ़ के कहर से प्रत्येक वर्ष हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। घाघरा नदी के किनारे स्थित कुतरा ब्लॉक के टेंगरिया राजा गांव निवासी दुर्गावती देवी सहित 60 परिवारों के लगभग 600 लोग मौत के मुहाने पर खड़े हैं। मैं विनय कुमार और यह है मेरा समुदाय। हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि बाढ़ आता है, हम लोग सब लोग बंधा पर रहते हैं, 15 दिन 20 दिन ऐसे रहते हैं। तो आप लोग कभो मतलब अधिकारी से बात की है ना? हाँ सर, हम लोग बात किए थे, कह रहे थे कि सर हम लोग को बंधा के उत्तर बसा दीजिए, और बंधा के उत्तर बसाने नहीं, सब लोग राजी नहीं रहते, कहते हैं कि नहीं, और जब तुम्हारा गांव चकबंदी में लगेगा तब होगा, और जब चकबंदी में लग गया है तो भी अमल नहीं हम उन लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एप्लीकेशन मत डालिए। अब नहीं कब हो आप लोग कब एप्लीकेशन डाले? हाँ सर, तो 2-3 बार हम लोग एप्लीकेशन डाले थे। लगभग हमारा घर 200 मीटर नदी से नदी के चपेट में आ चुका है, कब कटान आ जाए कोई पता ही नहीं है। बाढ़ के समय में हम लोग बंधे पर जाकर रहते हैं, यहाँ घर देखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति छोड़ा जाता है, बाकी पूरा परिवार बंधे पर रहता है। हमें सबको समस्या यह है कि अब बाढ़ ही आई जात बा, आज साँझ में मने सुबेरे कम पानी रहते जो करिया भर पानी हो गया, खूब तेज बाढ़ है तो बा, और दुआरे पल्ले पानी चढ़ जाता है, और लड़कियों का टट्टी पेशाब करे कुल रुक जाता है। बंधब जाए तो वहाँ कह खटिया बिस्तरा काव काव लेके जाई हाँ, और हमारा सब ये चाहते है कि हाँ जब मिल जा जमीनिया तो वहीं हमारे सब कहूँ बस ले। तो मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस गाँव के सभी परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग बस्ती जनपद के जिला अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454-4175-28 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि सबकी जिंदगियां बचाई जा सकें। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।